फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ फेस क्लीन अप एट होम। अगर आप घर पे रहके अपना फेस क्लीन अप करना चाहते हो, आप कोई पार्लर में जाके महंगे फेशियल ये सब प्रोसेस नहीं करना चाहते हो, आप घर पे अपने फेस को, फेशियल का एक ये भाग होता है, आप फेशियल नहीं कराना चाहते हो, तो आप सेकेंड स्टेप में आप ये क्लीन अप कर सकते हो अपने घर पे। अगर आप फेशियल करना चाहते हो तो आप फेशियल भी कर सकते हो। उसका रेमेडी, होम रेमेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप क्लीनअप कैसे करें। तो क्लीनअप के लिए आपको 3 से 4 स्टेप करने पड़ेंगे और बहुत ही अच्छा आपके फेस से जितने भी डार्क स्पॉट होंगे, ब्लैक एंड व्हाइट एंड होंगे और पिगमेंटेशन होंगे, वो सारे के सारे धीरे धीरे फिक्स हो जाएंगे और जितने ब्लैक एंड होंगे सारे ठीक हो जाएंगे। तो आप लोग एक प्रोसेस घर पे बैठे कर सकते हो एंड घर के इंग्रेडिएंट्स से कर सकते हो। तो इंग्रेडिएंट्स हमें क्या क्या लेना है, आपको सबसे पहले चाहिए रॉ मिल्क, कच्चा दूध चाहिए आपको, उसके बाद आपको चाहिए एलोवेरा जेल। आप वो मार्केट का एलोवेरा जेल भी ले सकते हो या आप घर पे जो प्लांट का एलोवेरा जेल होता है वो भी ले सकते हो। एंड आपको कोई फेस मास्क चाहिए, आप मुल्तानी मिट्टी का फेस मास्क बना सकते हो या मेरे चैनल पे मैंने बेसन का फेस मास्क बना के आप लोग को दिखाया है, वो आप फेस मास्क बना सकते हो या आप चंदन पाउडर का भी फेस मास्क बना सकते हो। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप घर पे अपना क्लीनअप कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कोई फिल्टर यूज नहीं किया है, ये बिना फिल्टर का फेस है। कैमरा का थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा फेस ब्राइट दिख रहा है, बाकी मैंने इसमें फिल्टर कुछ भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ कि इस होममेड क्लीनिंग से कितना अच्छा हमारा फेस क्लीन हो जाता है। तो चलिए सबसे अच्छा हमारा मिल्क होता है क्लीन के लिए, क्लींजर के लिए। आप कोई भी क्लींजर स्किप करके और ये रॉ मिल्क कच्चा दूध यूज़ करें और ऊपर की तरफ स्किन को ऊपर की तरफ खींचते हुए मसाज करें। 5 मिनट मसाज देना है बहुत ही अच्छे से, आइस को बहुत ही अच्छे से मसाज दें क्योंकि डार्कनेस हमारी आइस पे हो जाती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे मसाज देना है अपने फेस पे 5 मिनट तक, मैंने 10 मिनट तक मसाज दे दिया था और बहुत ही अच्छे से मसाज दिया मैंने अपनी स्किन को। मैंने इसमें हर एक स्टेप ना मैं आप लोग के साथ 5 मिनट 10 मिनट शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही हर एक स्टेप फॉलो किया है इसमें। और सच में यार, सच में मेरी स्किन इतना जल्दी ब्राइट हो गई और ग्लोइंग हो गई ना कि मैं खुद ही नहीं, मतलब मैं सोच पा रही थी कि इतना अच्छा फेस कैसे हो सकता है एक ही स्टेप, मतलब एक ही बार फॉलो करने में। तो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है मिल्क से क्लीन करके। वॉश करने के बाद से आप इसमें कुछ भी अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र आप ले सकते हैं। मैंने एलोवेरा जेल का आप देख सकते इतना लिया है, मैंने कुछ ज़्यादा ले लिया है और इतना ले, मतलब अच्छे से इतना आपको लेना है क्वांटिटी कि आपके पूरे फेस पे अच्छे से एकदम मसाज हो जाए। तो फिर मैं अच्छे से मसाज दूँगी अपने पूरे फोरहेड को, नेक को, चीक को, चिन को, आइस को, तो और भी अच्छे से मसाज देना है क्योंकि डार्कनेस हमारी ज़्यादा आइस पे ही होती है। मेरा डार्क बहुत आइस हो गया था बीच में, लेकिन मैंने इसको फिक्स किया, बहुत ही ज़्यादा होम रेमेडी मैंने इसमें फॉलो किए, फिर जाके मेरी डार्कनेस थोड़ी बहुत कैंसिल आउट हुई है। मैं आइस पे ज़्यादा फोकस करूँगी क्योंकि आइस मेरी बहुत ही रिलैक्स, ऐसा करने पे ना आपकी आइस बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा आइस पे प्रेशर देना है, फिर हाथ को उठा लेना है, अपने आइस पे फिंगर से प्रेशर देते हुए मसाज नहीं करना है। आइस के नीचे आप कर सकते हो लेकिन जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे आपको नहीं करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। आप देख सकते हो मैं आइस के नीचे अपनी फिंगर से मसाज दे रही हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरी आइस है वहाँ पे मैं फिंगर से मसाज नहीं दूँगी क्योंकि यहाँ पे फाइन लाइंस आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पूरे फेस को मसाज देने के बाद से मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर अप्लाई करूँगी जिससे मेरा स्किन थोड़ा सा और गीला हो जाए। और रोज़ वाटर का तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा इंग्रेडिएंट्स है हमारे फेस के लिए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो आप रोज़ वाटर, फिर मेरा स्किन थोड़ा बहुत सूख रहा था तो मैंने फिर से रोज़ वाटर का स्प्रे किया और थोड़ा सा गीला करके 10 मिनट तक मैंने छोड़ दिया। उसके बाद से मैं अपने स्किन को वॉश नहीं करना है, मैंने वॉश नहीं किया है। उसके बाद से आप क्या कर सकते हैं, टमाटर लीजिए, टमाटर को आधा कट करना है, उसमें शक्कर डालना है, शुगर डालना है। शुगर डालने के बाद से
आपको 2-3 मिनट तक उसको मेल्ट होने देना है। उसके बाद से अपने स्किन पे स्क्रब करना है। ये बहुत ही अच्छा स्क्रब का काम करेगा और आपको शायद मालूम नहीं होगा, टमाटर हमारे स्किन के लिए ब्लीचिंग है, एक ब्लीच की तरह काम करता है। हमारे स्किन में जो भी डार्क स्पॉट होंगे ना, वो सारा का सारा ठीक कर देगा, फिक्स कर देगा और बहुत ही अच्छा आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आएगा। और स्क्रबिंग करने से आपके फेस पे जितने भी ब्लैक एंड वाइट एंड होंगे ना, वो सारे के सारे निकल जाएंगे और बहुत ही अच्छा आपकी स्किन फ्लॉलेस एंड ग्लोइंग स्मूथ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस प्रोसेस को कम से कम 15 मिनट तक कर लिया था। आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग 10 मिनट या 7 मिनट तक तो करना ही है, जिससे हमारी स्किन के जितने भी मतलब गंदगी है सारे निकल जाए और हमारी स्किन अच्छे से ब्लीच हो जाए। ये ना, ये जो मैं स्टेप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारा स्टेप पार्लर में तो नहीं मिलेगा। पार्लर में जो क्रीम वो लोग यूज़ करते हैं वो कुछ दिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो परमानेंटली अच्छा नहीं होता है। और ये जो होममेड होता है ना, वो आपकी स्किन को हमेशा के लिए ग्लोइंग, चमकदार, ब्राइटनिंग बनाएगा। तो आप लोग पार्लर जाने से पहले ज़रूर एक बार घर पे ये वाला DIY करके चेक करें कि आपकी स्किन पार्लर से ज़्यादा ग्लो हो जाएगी, ब्राइटनर हो जाएगी। उसके बाद मैंने फेस पैक अप्लाई किया है, चंदन फेस पाउडर। ये बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है और ये मैंने 50 रुपये का लिया था। और ये मैं कहाँ से लेके आई थी, लक्ष्मी मंदिर। आपको मालूम होगा मुंबई में लक्ष्मी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर है, वहाँ से मैंने ये चंदन पाउडर लिया था। ये बहुत ही अच्छा है, इसकी खुशबू तो एकदम ऑर्गेनिक है, एकदम मतलब चंदन की तरह खुशबू आता है। इसमें मैंने एक आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड किया है। उसके बाद से अच्छे से थिक फेस पैक इसको रेडी करना है। आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा थिन नहीं किया है, थिक बनाया है, क्योंकि ये मुझे जल्दी से सुखाना है और एकदम मतलब गाढ़ा सा बना करके और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा पतला सा नहीं लगाना है आपको, मोटा सा लगाना है। ये भी फेस पैक लगाते समय आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाना है। आप देख सकते हो नीचे की तरफ आपको नहीं अप्लाई करना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी बहुत ही टाइट करता है आपकी स्किन को। अगर आप नीचे की तरफ करोगे तो आपकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ सकती है, आपकी स्किन जो होती है वो नीचे की तरफ लटक सकती है। लेकिन आपको ऊपर की तरफ करना है ताकि वो सूखे, तो आपकी स्किन को ऊपर की तरफ आपको एजिंग की समस्या ना आए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत सूख गया था, तो मैं यहाँ पे वॉश कर लिया है। ज़्यादा नहीं सुखाना है, हल्का सा सूखने देना है 15 मिनट तक। और आपको अपने तौल से रगड़ रगड़ के अपने फेस को नहीं पोछना है, डैब डैब करके बस सुखाना है अपने फेस को। आप देख सकते हो। और फाइनली बस मैंने फेस पैक लगाने के बाद आप मेरी स्किन देख सकते हो, जितने भी डॉट थे, धूल थे, वाइट एंड ब्लैक एंड थे, सारे के सारे निकल गए हैं और बहुत ही अच्छा मेरी स्किन ब्राइट नज़र आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फिल्टर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और जो थोड़ा बहुत ब्राइट दिख रहा है मेरा स्किन, वो मेरा मोबाइल से दिख रहा है, कैमरे की वजह से दिख रहा है, लेकिन रियल में मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और ग्लोइंग दिख रही थी। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई फिर से कर लिया है, जिससे ओपन पोर्स जितने भी हुए रहेंगे वो सारे क्लोज हो जाएंगे और कुछ भी डर्ट फिर से दोबारा हमारे स्किन में नहीं जा पाएगा। और अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए, फिर दोबारा ग्लो लाने के लिए, अपनी जो भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया वो सारा परमानेंटली रहे, इसके वजह से हमें एक स्टेप और फॉलो। आप लोगों ने देखा कि कितने इजी स्टेप मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए और ये स्टेप आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देती है। मेरी स्किन आप देख सकते हो अभी कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है ना, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये स्टेप करने से मेरी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी। और ये स्टेप आप 1 वीक में या 15 डेज में इसको फॉलो कर सकते हो। और आप मेरी स्किन देख सकते हो अभी, जितने भी वाइट हैंड थे, ब्लैक हैंड थे, सारे रिमूव हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने ज़्यादा मेरे, मतलब मैंने कल अपना स्किन देखा तो बहुत ही ज़्यादा डल और ब्लैक हैंड बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपना क्लीनअप करती हूँ और एंड आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग को भी पता चल जाए कि कैसे आप अपनी स्किन का केयर घर पे ही कर सकते हो, बिना पार्लर जाए आप स्किन का बहुत ही अच्छे से केयर कर सकते हो। तो चलिए वो लास्ट इंग्रेडिएंट मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। ये आप लोग को तो मालूम होगा कि विटामिन ई का कैप्सूल कितना अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए। इसमें जो ऑयल होता है हमारी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड ग्लो बनाता है, ग्लो बहुत ही अच्छा स्किन पे देता है।
तो मैंने आप लोग के सामने ये बहुत मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया था और पतंजलि का एलोवेरा जेल है वो, और मैं नेक्स्ट में ये अप्लाई करूँगी ताकि मेरे स्किन में जितने भी ओपन पोर्स ओपन हो गए हैं सारे प्रोसेस करने के बाद से, इससे मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो मेंटेन रहेगी और बहुत ही अच्छा मेरा स्किन हो जाएगा। तो चलिए इसको भी अप्लाई कर लेते हैं एंड देखते हैं रिजल्ट। तो आप देख सकते हो मैंने विटामिन ई का कैप्सूल ले लिया है, इससे आपकी स्किन पे जो ग्लो आएगा ना वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप घर पे रहते हो तो पूरा डे इसको अपने फेस पे रखिए, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप 1 घंटा रख सकते हो, और आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप आधा घंटा रख सकते हो, मगर इससे कम टाइम के लिए आप मत लगाइए अपने फेस पे, क्योंकि ये वर्क करता है लेकिन बहुत टाइम देना पड़ता है इसके पीछे, फिर ये वर्क करेगा नहीं तो नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया है और कितना अच्छा मेरा फेस अभी दिख रहा है, एकदम ग्लो नज़र आ रहा है ना, कितना शाइनिंग दिख रहा है। तो ये ऑयल बहुत ही ठीक होता है, लेकिन हमारे फेस के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारे स्किन के लिए, हर मतलब कोई भी समस्या होना तो हम अपने रूटीन में ले सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल हर एक चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपकी आईज डार्क है बहुत ही ज़्यादा तो आप विटामिन ई का कैप्सूल रोज नाइट में अपनी आईज पे इसका ऑयल लेकर के थोड़ा सा मसाज करके और सोते हो तो आप बहुत ही जल्दी आपके पूरा अंडर आईज क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे और आपके फेस की तरह हो जाएंगे। सो फिर आप मेरा फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। विटामिन ई का कैप्सूल अप्लाई करने के बाद से मेरी स्किन बहुत ही अच्छे से ग्लो कर रही है, और मैं इसको अगर मैं घर पे हूँ तो मैं इसको पूरा डे छोड़ सकती हूँ, नहीं तो मैं 1 घंटे बाद इसको वॉश कर लूँगी, और मैं अब 15 दिन के लिए मेरी स्किन से बहुत ही अच्छा ग्लो नज़र आएगा। अगर आप भी चाहते हो ऐसा ग्लो अपने फेस पे तो 15 डेज या आप 1 वीक में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। 1 मंथ बाद आपकी स्किन बहुत ही अच्छा ब्राइटन अप ग्लोइंग हो जाएगी, आप खुद को अपनी स्किन से बहुत ही ज़्यादा पहचान नहीं पाओगे कि मेरा ही स्किन है। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोग को कैसा है तो होम मेड क्लीनअप लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो, मेरे चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट मिलती रहे। मिलती हूँ ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड, लव यू।